बाजीगर मैं बाजीगर। ओके तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो एक दिन पहले गाइस बाजीगर सॉन्ग पे ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, जैसे कि आपको पता है। और गाइस अभी एक न्यू वर्जन में वीडियो वायरल हो रही है, ये वाली है, देख सकते हो। इसमें बंदा क्या करता है, पहले इस तरीके से कपड़े को करता है, ठीक है, फिर उसी में मतलब एकदम से चेंज हो जाता है ऊपर को कूद के। तो आप इस टाइप की वीडियो कैसे बना सकते हो वही बताऊंगा आज की इस वीडियो पे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके मत देखना, आपको सारा कुछ यहां पे समझ में आ जाएगा गाइस। तो सबसे पहले गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए आपको दो वीडियो शूट करनी पड़ेंगी, तो एक ही जगह पे आपको दो वीडियो शूट करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट वीडियो आपको इस तरीके से उसी सॉन्ग पे शूट करनी है गाइस, इस तरीके से आपको मतलब एक्टिंग करनी है, अपने अपने हिसाब से एक्टिंग करना। ओके, और तीन बार आपको ऊपर में मतलब गोली मारनी है, इस तरीके से तीन बार हमारा मतलब कपड़ा आएगा, ठीक है, और इस तरीके से आपको ऊपर को उछल जाना है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आपको शूट करनी है वो इस तरीके से करनी है बस गाइस, मतलब सेकंड वीडियो इस तरीके से शूट करनी है, आपको भाग के आना है और ऊपर में जंप लगा के एकदम से कूदना है, ठीक है। जंप लगा देना एकदम से, खूब हाई लेवल वाला जंप लगाना है आपको, ठीक है, इस तरीके से ताकि मतलब ऐसा लगे कि आप मतलब उस पिक्चर में से निकले हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर से आपको कूद के कर लेना है। एंड गाइस आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, गाइस यहाँ पे अब आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर एप्लीकेशन की। तो फिर चलते हैं काइन मास्टर ऐप में। ओके, तो गाइस मैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। एंड गाइस आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर नहीं है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आके मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 90-50 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। एंड मीडिया पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को लेके आना है जो आपने वीडियो शूट की थी। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को लेके आ चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप करना क्या है गाइस, आपको देखो आपकी शुरू से अगर बेकार वीडियो है तो बेकार ट्रिम कर देना इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में अगर आपकी बेकार है तो यहाँ से भी आप ट्रिम कर देना। तो मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने जितनी वीडियो थी मैंने उतना इतना यहाँ पे ट्रिम कर लिया है। एंड अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको देखो इस वीडियो को सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपने जैसे किया था ना यहाँ पे, तो जिस तरीके से आप उछल रहे हो ना वहाँ पे, देखो ये उछलने वाले है, वहाँ पे जाना है आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर को जा रहे हो तो वहीं पे आपको इस तरह से वीडियो को रोकना है एंड कैंची पे क्लिक करके स्लीप टेट प्लेहेड कर देना है। ओके, एंड आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में जाना है, और जहाँ पे आप एकदम से जंप मार रहे हो ना फुल, वहाँ पे एकदम से आपको देख लेना है कहाँ पे आप जंप मार रहे हो। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने जंप मारा था। ओके गाइज, तो ये देखो मैंने यहाँ पे जंप मारा था, ये देखो मैं यहाँ पे एकदम से ऊपर में यहाँ पे बिल्कुल जंप आ गया, देखो मैं ऊपर में आसमान में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड कैंची वाले आइकन पे क्लिक करके इधर की जितनी भी वीडियो है ना आपको यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट पे हट करके काट देनी है। ओके, तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से जैसे ही आप फुल जंप मार रहे हो ना जमीन में, तो उसी तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेना। इतनी वीडियो दो पार्ट आपने कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे करना क्या है आपको, नेक्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे इस वाले कैप्चर वाले निशान पे क्लिक करके सेव एंड कैप्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर लेना है, एक पिक्चर आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसी भी बैकग्राउंड रेजर एप्लीकेशन की, अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो, बैकग्राउंड रेजर से कर सकते हो या फिर पिक्सआर्ट से कर सकते हो। तो मैं पिक्सआर्ट से करूंगा, तो चलो फिर मैं चलता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने अपना फोटो यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर लिया है वो वाला। एंड यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कटआउट वाले निशान पे क्लिक करना है। एंड गाइज यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से आपका पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एरो आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पूरे फोटो को और पास आप कर देना, देखो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो बैकग्राउंड को रिमूव। आप बहुत सारी मतलब एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, तो आपको इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ओके, तो आपको इस तरीके से बैकग्राउंड को मैं देखो इस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से भी कर सकते हो या बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं आपको एक एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपका ये बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से देखो जैसे ही आपको बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो आप इस तरीके से कर लेना, जितना बच रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड को इस तरीके से आपको रिमूव कर लेना है, देखो मेरा रिमूव हो गया। एंड इसको आपको आप सेव कर लेना है अपनी गैलरी में, तो देखो इस तरीके से ये PNG में आपका सेव हो जाएगा यहाँ से। तो आप इस तरीके से इसको सेव कर लेना। एंड फिर से चलते हैं काइन मास्टर ऐप में। ओके, तो मैं फिर से काइन मास्टर एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। एंड वहीं पे आना है आपको, देखो वीडियो वहीं पे रहने देनी है। अब गाइस यहाँ पे आपको इस लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। एंड यहाँ पे जैसे ही आप मतलब फर्स्ट बार गोली मार रहे हो देखो इस तरीके से आसमान में, तो वहीं पे आपको रोकना है। देखो तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मारी थी फर्स्ट बार,
तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही मारी थी आपने फर्स्ट बार, तो यहाँ पे हमारा एक मतलब ऊपर का सिर लाएंगे हम, तो यहाँ पे लेयर से मीडिया पे क्लिक करके अपनी वाली पिक्चर लेके आ जाते हैं। तो देखो मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ओके एंड यार अब क्या करना है आपको, इस वाली वीडियो के यहाँ पे आना है। देखो सबसे पहले तो इस वाली वीडियो की जैसे ही वीडियो शुरू हो रही है तो यहीं तक आना है, ठीक है, इस वीडियो के शुरू में आना है देखो इस तरीके से, और यहाँ पे इस वीडियो को इस वाले फोटो को यहीं तक रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक रखना है, इतना कट कर देना है। एंड गाइस ये वाले फोटो को ना आपको इस पे ही बिल्कुल सेट कर देना है, देखो इस तरीके से इस वाले फोटो पे ही आपको इसको सेट कर देना है। देखो जैसे ही आप इस पे सेट कर दोगे सही तरीके से, तो ये देखो इस तरीके से मेरा यहाँ पे सेट कर दिया। ओके एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे क्रॉप वाले निशान में जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक तीन पार्ट में रखना है अपने फोटो को। तो इस तरीके से देखो मैं इस बार मुड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इस बार हमारा मुड़ी हो गया, तो ये देखो सबसे पहले इस तरीके से आएगा। जैसे ही आप इस तरीके से मारोगे तो ये देखो हमारा एक बार इस तरीके से मुड़ी आएगी, ठीक है। और ये देखो आप दूसरा मार रहे हो तो आपको फिर से आपको लेके आना है इसी वाले फोटो को, आप इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेना थ्री डॉट पे क्लिक करके, तो आप इसको डुप्लीकेट कर लेना। ओके एंड आपको फिर से क्रॉप वाले निशान पे जाके इस बार आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम इसी वाले यहाँ पे। तो इस बार क्या करना है आपको, यहीं से नीचे का कॉपी का नीचे का करना है। देखो आप दूसरी बार में आप नीचे का ले लेना, बीच का ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने बीच का ले लिया, इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। ओके एंड अब देख सकते हो आप जैसे यार यहाँ पे मैं दूसरे वाले क्लिप में कर देता हूँ इसको, ये यहाँ पे जैसे ही आप दूसरा बारा मार रहे हो ये, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ से मार रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मारा था देखो दूसरा, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस वाली नीचे वाली इमेज को, तो ये इस तरीके से आएगा देखो, ठीक है, ये इस तरीके से। अब तीसरी बार आपको इस तरीके से इसको करना है, तीसरी बार में फिर से आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाना है। और इस बार क्या करना है गाइस, और तीनों इमेज को यहाँ पे एक ही साथ रखना है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, तीनों इमेजेस को आपको एक ही साथ रखना है। और इस बार हम नीचे वाली सबसे इमेज में क्या करेंगे, नीचे वाली इमेज में जाएंगे क्रॉप वाली, और यहाँ से हम नीचे वाला ले लेंगे सबसे नीचे का जितना भी है ना, आप इस तरीके से नीचे का ले लेना। तो मैं इस तरीके से नीचे का कर लेता हूँ, जितना भी है ना आपका नीचे नीचे का लेना है इस बार, देखो इतना। तो मैंने ये इस तरीके से नीचे नीचे का क्रॉप कर लिया इस बार, तो ये देखो कुछ इस तरीके से। ओके तो देख सकते हो इस तरीके से आपकी वीडियो आएगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार इस तरीके से आएगी, तो देख सकते हो आपका तीनों के तीनों यहाँ पे इस तरीके से आ चुके हैं। एंड अभी क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको तीनों को एकदम से स्टेबल करके यहाँ पे बड़ा कर लेना है, देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको बड़ा कर लोगे तो यहाँ पे देखो तीनों को इस तरीके से ध्यान से इस तरीके से लगाना है, मतलब तीनों एक बराबर में रहनी चाहिए लाइन, देखो इस तरीके से, तभी आपकी वीडियो परफेक्ट बन पाएगी, इस तरीके से कर लेना। ओके तो देखो अभी आपका वीडियो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जैसे ही आप मतलब प्ले करके दिखाता हूँ एक बार मैं वीडियो, तो देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये देखो। एंड गाइस आप इस तरीके से ऊपर कूदोगे तो देख सकते हो एकदम से मतलब फ़ोटो में ऐसे ही जैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे मतलब निकले हो। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, मतलब ये एकदम से हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस वाली वीडियो में हम स्लो मोशन डालेंगे, तो यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करो एंड इसमें जितना हो सके आप यहाँ से स्लो मोशन कर देना, ठीक है। तो देखो ये आपकी वीडियो बड़ी भी हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं इतना लास्ट का काट देता हूँ, और ये आपकी वीडियो स्लो मोशन में मतलब बहुत अच्छी लगेगी, देखो इस तरीके से बड़ा कर दोगे तो। अभी मैं बताऊँगा, ये देख सकते हो बहुत कमाल की वीडियो बन चुकी है। एंड गाइस अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे स्काई चेंज करना है तो यहाँ पे आप लेयर पे क्लिक करो, मीडिया पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आपको गूगल से किसी भी स्काई की मतलब फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ओके और मैं इसको फुल पर्दे में कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आपको नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके ओवरले को यहाँ नहीं मल्टीप्ले को क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप इसका थोड़ा सा ये कम कर देना, ठीक है, तो फेदर कम कर देना इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी हल्की फुल्की स्काई चेंज हो जाएगी, देखो। वरना देखो ये देखो कमाल की वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है बिल्कुल, इस तरीके से आपकी स्काई चेंजिंग भी यहाँ पे हो चुकी है, बिल्कुल पूरी कंप्लीट वीडियो हो चुकी है, देख सकते हो। अभी मैं आपको एक बार और वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, और गाइज यहाँ पे मैं अभी देख लो आपकी वीडियो एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज आपको साउंड का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वाली वीडियो का, तो आप इस यहाँ पे इस वीडियो को लेके आना इस तरीका से, ठीक है, और यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसका साउंड आप इस पे लगा देना, और मैं आपको एक बार साउंड के साथ वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ।
जानू बाजीगर मैं बाजीगर। गाइस जैसे कि आप सभी ने देखा यार, वीडियो एकदम से बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुका है। स्काई चेंजिंग भी हो चुकी है और उसके जैसे बिल्कुल बनकर वीडियो रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी पर आ जाना, वहाँ पर मैं आपको मैसेज कर देना मेरे को, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी पर काइंड मास्टर एप्लीकेशन दे दूंगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।